कपिल शर्मा के शो में कंगना रनौत ने अनन्या पांडे का बनाया मजाक, अनन्या की मिमिक्री करके बताया कि कैसी बेवकूफ और स्टूपिड लड़की है। कंगना रनौत कपिल शर्मा के शो में हाल ही में अपनी धाकड़ फिल्म को प्रमोट करने पहुंची। शो का एक सेगमेंट होता है पोस्ट का पोस्टमार्टम, जिसमें जो भी सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर आते हैं उनके सोशल मीडिया का एक पिक्चर दिखाया जाता है और उसके कमेंट्स रीड किए जाते हैं। इसी बीच कंगना रनौत का एक फोटो दिखाते हैं और उसमें कंगना ने कैप्शन में एक शब्द लिखा होता है बॉलीवुड बिम्बो, क्योंकि कपिल शर्मा खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसीलिए इस बॉलीवुड बिम्बो का मतलब उन्हें समझ नहीं आया। जिसके बाद कपिल शर्मा कंगना रनौत से पूछते हैं कि ये बॉलीवुड बिम्बो होता क्या है। वैसे तो बॉलीवुड बिम्बो का मतलब होता है कि अट्रैक्टिव लेकिन बेवकूफ, स्टूपिड, दिमाग नहीं। लेकिन कंगना रनौत ने ये कहने के बजाय एक एक्ट करके बताया और कहा कि बॉलीवुड बिम्बो वो लोग होते हैं जो अपनी जबान बाहर निकाल कर नोज़ को टच करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये मेरा टैलेंट है, मैं अपनी टंग से अपनी नोज़ को टच कर सकती हूँ। कंगना रनौत का ये जोक उस वक्त तो सभी को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई। ये वीडियो अनन्या पांडे की थी, जो कुछ ही समय पहले कपिल शर्मा के शो में पहुंची थी और कपिल शर्मा को उसने अपना टैलेंट के रूप में यही बात बताई थी कि मैं अपनी टंग से अपनी नोज टच कर सकती हूं और ये मेरा टैलेंट है। अनन्या को तब भी इस बात के लिए बहुत ट्रोल किया गया था और अब कंगना ने एक बार फिर से जब अनन्या को रोस्ट किया है उनकी इस हरकत के लिए, तो सोशल मीडिया पर अब कंगना के लिए तालियां बज रही हैं और लोग कह रहे हैं कि कंगना ने गजब तरीके से अनन्या की खिल्ली उड़ाई है। अब इस पर अनन्या कुछ रिएक्ट करती है या बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की तरह अनन्या भी इस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वैसे कंगना रनौत ऑलरेडी एक बात कह चुकी है अपने बारे में कि कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ जो मुझसे रिश्ता तो रखना चाहते हैं, मुझे फ़ोन भी करते हैं, मेरे काम की तारीफ भी करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ दिखना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि मेरे साथ दिखे तो वो भी इंडस्ट्री से बॉयकॉट हो जाएंगे। कंगना ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा कि अक्षय कुमार चोरी चुपके फ़ोन पर मेरी तारीफ करते हैं और अजय देवगन कभी भी मेरी तारीफ नहीं करेंगे, मेरी फिल्में प्रमोट नहीं करेंगे।